हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 5 फ्रैक्शंस का प्रॉब्लम सेट 18। प्रॉब्लम सेट 17 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। अब आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन देखो, आपको क्या कहा जा रहा है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन कैसे होता है, जिसका भी डिनोमिनेटर सेम होगा उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया है 3/4, 5/8। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से। जैसे कि देखो, यहाँ पर अगर मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पर 8 मिल जाएगा। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 8 है, 5/8 है ना, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ। क्योंकि यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × 2 यहाँ पर 6 बन जाएगा। तो 3/4 की जगह मुझे 6/8 मिला और यहाँ पर 5/8 ऑलरेडी दिया गया था। तो देखो, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये आपका बन गया लाइक फ्रैक्शन। और लास्ट में फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर 6/8, 5/8 आर रिक्वायर्ड लाइक फ्रैक्शन। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, कर लो कॉपी इसको। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। सेकंड वाले क्वेश्चन में दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जब डिफरेंट डिनोमिनेटर दिया जाए तो जो भी डिनोमिनेटर में अपोजिट नंबर होगा उसी से मल्टीप्लाई कर लो, आपको सेम डिनोमिनेटर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है 3/5, ठीक है। अब ये 3/5 जो दिया है, 5 के अपोजिट में क्या है, 7। तो यहाँ पर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तो मुझे नंबर क्या मिलेगा, देखो 3/7 = 21 मिलेगा न्यूमरेटर में, 5 × 7 = 35 मिलेगा मुझे डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर सेकेंड वाला फ्रैक्शन हमें क्या दिया गया है, 3/7। अब 7 के अपोजिट में डिनोमिनेटर क्या है, 5। तो यहाँ पर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तो मुझे क्या मिलेगा फ्रैक्शन, 3/5 न्यूमरेटर में 15, डिनोमिनेटर में 7/5 = 35। देखो, दोनों फ्रैक्शन में आपको 35 डिनोमिनेटर मिल गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 21/35, 15/35 आर लाइक फ्रैक्शंस। हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व, देख लो इसको, कॉपी कर लो। अब आइए थर्ड वाला करते हैं। देखो, थर्ड वाले में भी आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया गया है। तो जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पर 8 दिया था, वैसे यहाँ पर 10 दिया है, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 8 मिला। अब 5 को भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 10 मिल सकता है ना, तो थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, 4/5 को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 4 × 2 = 8 और डिनोमिनेटर में 5 × 2 = 10, ठीक है। और दूसरा वाला फ्रैक्शन मुझे दिया है 3/10। देखो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 8/10, 3/10 आर लाइक फ्रैक्शंस। ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर, देख लो सोल्यूशन अच्छे से, कॉपी कर लो। अब आइए फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, डिनोमिनेटर में अगेन आपको डिफरेंट डिजिट्स दिए गए हैं और ये जो डिजिट्स आपको दिख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के टेबल्स में नहीं आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया था 5 और यहाँ पर 10, तो 5 के टेबल में 10 आता है हमें पता था। यहाँ पर भी फर्स्ट वाले में आपको 4 दिया था, अपोजिट में 8 दिया था, तो 4 के टेबल में 8 आता है आपको पता है। लेकिन फोर्थ वाले में आपको पता है कि 9 के टेबल में ना तो 6 आता है और ना 6 के टेबल में 9 आता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा हमने सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, जब अपोजिट नंबर्स हैं और वो दोनों एक दूसरे टेबल में नहीं आ रहे तो हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर दिया गया है अपोजिट में उसको मल्टीप्लाई करेंगे अप साइड भी और डाउन साइड भी। तो क्या दिया गया है, देखो फोर्थ वाले में आपको दिया है 2/9, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 के अपोजिट में डिनोमिनेटर है 6, तो न्यूमरेटर में भी 6 से और डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/6 यहाँ पर मुझे 12 मिलेगा, 9/6 = 54 मिलेगा, बराबर। अब सेकंड वाला फ्रैक्शन मुझे दिया गया है 1/6, 6 के अपोजिट में है 9, तो यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर में 9 से और न्यूमरेटर में 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे मिलेगा 9/1 = 9 और डिनोमिनेटर में 6/9 = 54, बराबर। देखो, दोनों फ्रैक्शन में हमें डिनोमिनेटर 54 मिल गया, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 12/54, 9/54 आर लाइक फ्रैक्शन। समझ में आया कैसे किया, अगर अपोजिट नंबर्स आपको दिए हैं और दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं तो बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर सेम कर दो, आपका बन जाएगा लाइक फ्रैक्शन, कर लो कॉपी इसको भी। नेक्स्ट फिफ्थ वन आपको दिया है 1/4, 2/3।
अगेन यहाँ पर ना तो 4 के टेबल में 3 ना 3 के टेबल में 4 आता है, तो हम कैसे करेंगे इसको, डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, मिलेगा आपको 1 3 3 4 3 12। दूसरा फ्रैक्शन आपको दिया है 2 अपॉन में 3, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपोजिट डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर क्या है अपोजिट में, 3 के अपोजिट में 4 है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा दोनों जगह, 2 4 8, डिनोमिनेटर में 3 4 12, मिल गया दोनों जगह आपको 12 डिनोमिनेटर में। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं 3 अपॉन 12, 8 अपॉन 12 आर लाइक फ्रैक्शन, कर लो इसको भी कॉपी। नेक्स्ट 6th वन देखेंगे, यहाँ पर आपको दिया है 5 अपॉन 6, 4 अपॉन 5, अगेन यहाँ पर डिफरेंट है डिनोमिनेटर, तो 6th वाले को भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, 5 अपॉन में 6, अपोजिट में 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में, यहाँ पर आपको 5 5 25 मिलेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 6 5 30। दूसरा फ्रैक्शन आपको दिया है 4 अपॉन में 5, 5 के अपोजिट में 6 है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह, 4 6 आपको मिलेगा 24 डिनोमिनेटर में, 5 6 30, मिल गया दोनों जगह आपको 30 डिनोमिनेटर में। सो देयरफॉर हम लिखेंगे 25 अपॉन 30, 24 अपॉन 30 आर लाइक फ्रैक्शन, कर लो कॉपी 6th वाले को भी। अब आइए 7th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आपको दिया है 3 अपॉन में 8 और 1 अपॉन 6, तो डिनोमिनेटर सेम है नहीं, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो 3 6 न्यूमरेटर में मुझे 18 मिल जाएगा और डिनोमिनेटर में 8 6 48 मिलेगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन आपको दिया है 1 अपॉन 6, इस फ्रैक्शन को भी हमें सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 1 8 8 मिल जाएगा और 6 8 48, आ गया डिनोमिनेटर सेम, लिखो देयरफॉर 18 अपॉन 48, 8 अपॉन 48 आर लाइक फ्रैक्शंस, कर लो 7th वाला भी कॉपी। अब आइए 8th वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर आपको दिया है 1 अपॉन 6 और अपोजिट में है 4 अपॉन 9, अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, देखो ये 4th वाले के जैसे ही आपको दिया है, यहाँ पर 9 एंड 6 था, यहाँ पर 6 एंड 9 है, तो क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह, 9 से मल्टीप्लाई करो तो 1 9 9 मिलेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 6 9 54। दूसरा फ्रैक्शन आपको दिया है 4 अपॉन में 9, मल्टीप्लाई करो 6 से दोनों जगह, 4 6 24 अपॉन में 9 6 54, फाइनल आंसर लिखो 9 अपॉन 54, 24 अपॉन 54 आर लाइक फ्रैक्शंस, कर लो कॉपी 8th वाले को भी। और इसी के साथ आपका प्रॉब्लम सेट 18 कंप्लीट होता है। इस तरीके से आपको करना है फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट, बहुत इजी है, जस्ट आपको टेबल्स आने चाहिए। तो वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर, ऐसे ही इजी सॉल्यूशन वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।